नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपको पावर ट्रैक का एक नया यूरो सीरीज यूरो 55 पेश कर रहा हूं, और यूरो 55 जो है पूरा का पूरा 55 एचपी श्रेणी के अंदर मैं आपको सामने पेश कर रहा हूं। और यूरो 55 जो है, ये जो मॉडल मैं पेश कर रहा हूँ वो है सुपर मैक्स मॉडल। ठीक, तो यूरो 55 का खासियत यह है कि बड़े से बड़े काम बहुत आसानी से कर ले, क्योंकि इसके अंदर हम दे रहे हैं पूरा का पूरा 4 सिलेंडर वाला 3680 दमदार इंजन। आइए, इंजन दिखाने के लिए मुझे बोनेट खोलनी पड़ेगी। ये जो बोनेट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिंगल पीस बोनेट है। इसको खोलने के लिए खास एक छोटी सी लैच हमने दी है। ये दो उंगली से आप इस लैच को उठाओगे तो इसकी बोनेट आसानी से खुल जाता है। देखिए, इतना पुश किया और छोड़ दिया, अपने आप खुल गया। क्योंकि इस बोनेट को खोलने और जोड़ने के लिए हमने अंदर गैस फिल्ड स्ट्रट दिए हैं। ये देख सकते हो, दो गैस फिल्ड स्ट्रट दे रहे हैं। ये खुलने के बाद पूरी की इंजन, कूलिंग सिस्टम, सेंसर सब आपके हाथ में आसानी से लग सकते हैं। अब इंजन की बात करें, जैसे कि मैंने बोला था पूरा का पूरा 4 सिलेंडर वाला 3680 सीसी वाला इंजन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये ADI AVL इंजन है। इसका मतलब देश का नंबर 1 किफायती ट्रैक्टर का इंजन का राज है AVL टेक्नोलॉजी। AVL टेक्नोलॉजी का मतलब है कम डीजल की खपत, ज्यादा का ज्यादा शक्ति प्रदान करता है और मेंटेनेंस में सबसे कम। ठीक, और ये इंजन को ठंडा करने के लिए हमारे पास स्पेशल कूलिंग सिस्टम है कारो वाला, तो स्पेशल रिकवरी बोतल हम देते हैं जो कूलेंट को रिकवरी करते रहेगा। बार बार आपको कैप खोलने की, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर देखोगे जो पंप जो हम दे रहे हैं, माइको बॉश का इनलाइन पंप हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसको मेंटेनेंस फ्री करने के लिए एक सेपरेट वाटर सेपरेटर, ये पंप के अंदर पानी जाने से रोकेगा। और इसकी जो साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स दे सकते हो, ये रोबस्ट लुक के साथ हमने दिए हैं और आसानी से मेंटेनेंस हो जाएगा क्योंकि बाहर है। लॉक करना है तो लॉक केबल सिस्टम भी हमने यहाँ ताला लगा सकते हो। आइए अभी बोनेट बंद करके आगे की चीजें देखेंगे। तो यूरो 55 जो गाड़ी है, पूरा 55 एचपी श्रेणी के अंदर हम पेश कर रहे हैं। इसकी इंजन ही दमदार नहीं, इसके आगे के लुक भी दमदार हमने दिए हैं। दमदार स्पोर्टी बम्पर हमने दिए हैं सामने टो हुक के साथ। और देखोगे इसके यूरो के फीचर्स, जो हेडलाइट हमने लगाए हैं ये तो है, इसके साथ ये ऑक्सिलरी हेडलाइट जो है ये कार की तरह पूरी बोनेट के अंदर समाया हुआ है। और जब ये लगाओगे आप, दूर की रोशनी भी हाईवे में भी आसानी से आपको दिख जाता है। दोनों भी चला सकते हो, अलग से इसको भी चला सकते हो आप। और यूरो की जो ब्रांडिंग हमने की है डिकाल, देखिए कितनी सुंदर से मेटालिक वाली ब्रांडिंग हमने यहाँ की हुई है। और सबसे बड़ी चीज़, इसकी अगर आप फ्रंट एक्सल देखोगे तो देख सकते हो इसकी जो फ्रंट एक्सल है ये इतना मोटा है और हैवी ड्यूटी है। ये फ्लेक्सिबल भी है, प्लस ये हैवी ड्यूटी इसलिए दिया कि ये जो गाड़ी है आप खेत के काम के लिए भी बढ़िया है, प्लस कमर्शियल कामों के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि आपने डोजर लगाया या लोडर लगाया, जो उसके जो जर्क आते हैं वो सारे जर्क लेने की क्षमता इस ट्रैक्टर के अंदर है। प्लस इसमें जो हम पावर स्टीयरिंग दे रहे हैं, ये स्पेशल पावर स्टीयरिंग है, उसको बोलते हैं हम बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग। मतलब ये जो सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर दोनों तरफ से एक्टिवेटिंग है, मतलब एक उंगली से पूरी ट्रैक्टर को काट सकते हो। यहाँ देख सकते हो इस तरफ भी इसकी बैलेंस रॉड है, और इसी तरह उस तरफ भी इसकी बैलेंसिंग रॉड प्राप्त होती है। इसकी स्पिंडल भी आप देखोगे तो हैवी ड्यूटी स्पिंडल हमने इसके अंदर प्राप्त किए हैं, ताकि कोई भी बड़ी से बड़ी काम आसानी से आप इसमें कर लो और लोड लेने की क्षमता ज़्यादा है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर हमने एक स्पेशल फिल्टर हमने दिया हुआ है, उसका नाम है सुपर फिल्टर। तो ये सुपर फिल्टर होता क्या है? सुपर फिल्टर का फायदा ये है कि आप ट्रैक्टर को धूल से भरी हुई जगह में, जैसे रीपर चला रहे हो या कोई माइनिंग में चला रहे हो, तो होता क्या अक्सर कि दूसरों ट्रैक्टरों में आपको घंटे में एक बार इसकी जो फिल्टर है खोल के साफ करनी पड़ती है, मगर ये जो फिल्टर है उस स्थिति में 250 घंटे तक भी चलाओ तो ये चोक नहीं होती है, वो है सुपर फिल्टर। आइए दिखाने की कोशिश करूंगा मैं ये। तो ये है दोस्तों सुपर फिल्टर, ये फ्लीट गार्ड कंपनी से हम बनवाते हैं। ये स्पेशल है, ये केवल हमारे ट्रैक्टर में उपलब्ध है। तो इसमें देखिए, यहाँ तो दो स्टेज वाली फिल्टर है, इसके अलावा नीचे जो दिखेगा आपको ये है स्पेशल साइक्लोनिक फिल्टर। तो ये डबल स्टेज में फिल्ट्रेशन होके अंदर जाता है और जो भी धूल मिट्टी है वो नीचे गिरा देता है।
250 घंटे तक आपको इसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए इस ट्रैक्टर में जो अल्टरनेटर हमने दिए हैं 35 एम्पियर का दमदार अल्टरनेटर दिए हैं, और इसमें जो हाइड्रोलिक पंप जो हमने दिए हैं ये है टेंडम पंप, मतलब इंजन चालू तो आपके हाइड्रोलिक चालू, तो पावर स्टीयरिंग और आपका जो हाइड्रोलिक है दोनों ही पंप एक ही साथ चलते हैं। आइए इस ट्रैक्टर में चढ़ने की सुविधा कैसी है देखेंगे। चढ़ने के लिए देखिए इधर एक हैंड होल्ड है और इधर एक फुट रेस्ट है, तो आसानी से मैं इस पर हाथ रख के चढ़ सकता हूँ। देखिए सीट जो हमने दी हैं बहुत ही आरामदायक सीट इसके अंदर पेश कर रहे हैं। ये सीट जो है पूरा का पूरा 5वें एडजस्टिंग है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और मेरे वजन है 70 किलो, 70 किलो के हिसाब से मैं इसकी कुशनिंग भी एडजस्ट कर सकता हूँ। जो स्टीयरिंग हमने दी है बहुत ही छोटा सा स्पोर्टिव है, उसके साथ देख सकते हो, तो एक हाथ से मुझे अगर इसको चलाना है, अगर मैंने डोजर बिठाया हुआ है और डोजर की ऑपरेशन मुझे जॉयस्टिक से करनी है, तो एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाऊंगा, एक हाथ से जॉयस्टिक, यहाँ से पूरी कंट्रोल, लोडर डोजर वगैरह चला सकता हूँ, तो वो सुविधा भी इसके अंदर हमने दी है। आइए इस ट्रैक्टर की मीटर के बारे में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा कि अगर इस मीटर की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हम दे रहे हैं ये बॉडी कलर ब्लू कलर ही दे रहे हैं बैकग्राउंड, मगर रात में इसकी कलर अलग होगी क्योंकि इसके अंदर LED लाइट की सुविधा हमने दी है। प्लस इसकी जो आर मीटर आएगी डिजिटल में आएगी, RPM मीटर है, प्रेशर गेज है, फ्यूल मीटर है, टेम्परेचर गेज है, सारी बहुत सारे सेंसर भी इसके अंदर उपलब्ध है। इस ट्रैक्टर के अंदर हम स्पेशल सुपर फिल्टर दे रहे हैं, उसकी सेंसर लाइट भी आपको यहाँ दिखाई दे, और इसकी जो एप्लीकेशन चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए इसको बोलते हैं एप्लीकेशन चार्ट। अगर कोई किसान आपको पूछ रहा है कि मैं इसके अंदर पोटेटो डिगर या स्ट्रॉ रिपर चलाना चाहूँ तो कौन सा गियर कौन सा RPM में चलाऊँ, तो यहाँ देखिए कंपनी यहाँ पर रिकमेंड करती है इन स्ट्रॉ रिपर पोटेटो डिगर के लिए पीला कलर जो दिखा रहा है, आप ये और ये मतलब L1 और L2 में चला सकते हो 1500 RPM में, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है चलाने से। अगर इसमें रोटोवेटर या कंबाइन चलाना चाहते हो तो ये देखिए हरा रंग है, हरा रंग का बक्सा यहाँ देखिए L1 L2 में, तो आप इसको L1 L2 में चला सकते हो 1800 से या 1700 से RPM के अंदर चला सकते हो। इसी प्रकार के सारे जो मुख्य एप्लीकेशन हैं उनका रिकमेंडेशन कंपनी देता है। इससे फ़ायदा ये है कि कम से कम डीजल की खपत में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करके देगा ये गाड़ी। उसके ऊपर इस ट्रैक्टर के अंदर MR PTO दे रहे हैं, मल्टी रिवर्स PTO, इसका मतलब हर गियर में आपको ये PTO की स्पीड अलग अलग होगी। शुरुआत देखिए 389 से लेकर चौथे गियर में 1233 स्पीड आपको इसके अंदर प्राप्त होगा। अगर आपने रिवर्स गियर डाला तो 426 स्पीड रिवर्स गियर के अंदर भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इसमें 540 चक्कर भी आपको प्राप्त होंगे, इसका मतलब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कुल मिला के 6 स्पीड उपलब्ध होंगे, एक उसमें रिवर्स स्पीड भी है PTO का। आइए दोस्तों मैं इस ट्रैक्टर के अंदर 3 सेफ्टी फीचर दिखाने वाला हूँ। पहला जो सेफ्टी फीचर है उसका नाम है सेफ्टी न्यूट्रल स्विच। जैसे कोई बच्चा आपका आके चाबी यहाँ लगी है वो आके यहाँ चालू कर सकता है, गियर में है तो ये ट्रैक्टर चालू नहीं होता है। जब तक मैं इसकी जो हाई लो गियर लीवर है इसको न्यूट्रल करके जब मैं इसकी चाबी ऐसे घुमाऊंगा तो देखिए स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जब तक गियर न्यूट्रल ना हो हाई लो वाला ये ट्रैक्टर चालू नहीं होता। ये पहला सेफ्टी हो गया। दूसरा सेफ्टी डीजल टंकी। डीजल आजकल दाम बढ़ रहा है तो देखिए डीजल टंकी के ऊपर भी एक लॉक लगा है ताकि डीजल चोरी ना हो, पहले चीज़। और दूसरी चीज़ बच्चे खेलते खेलते इसके अंदर मट्टी या पत्थर ना डाल दें तो उसके लिए एक छोटी सी सेफ्टी फीचर हमने दी है। और तीसरा बहुत मुख्य सेफ्टी फीचर हमने इसके अंदर दी है उसका नाम है ट्रांसपोर्ट लॉक। उदाहरण में दे दूं, जैसे कि कोई आपका दोस्त है यहाँ बैठ गया और चलते समय उसने गलती से ये हाइड्रोलिक लीवर नीचे कर दिया, अगर उपकरण बांधा हुआ है ऊपर चलते ट्रैक्टर में उपकरण नीचे गिर सकता है, तो ये सेफ्टी फीचर काम कैसे करेगा, ये दोनों लीवर ऊपर करो इम्प्लीमेंट ऊपर उठ जाएगा, उसके बाद इसको पूरी की पूरी ऐसे घुमा के पूरा का पूरा लॉक करो। एक बार लॉक हो गया गलती से भी ये लीवर नीचे करो तो आपका इम्प्लीमेंट नीचे नहीं करेगा, ऊपर का ऊपर बांध के रखेगा क्योंकि आपने लॉक लगाया। मगर ध्यान रहे खेत में जाके जुताई स्टार्ट करने से पहले आप इसको खोल दो ताकि आपकी हाइड्रोलिक काम करना चालू हो जाए। तो ये है 3 सेफ्टी फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दिए हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर गियरबॉक्स की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दिए हैं पूरा का पूरा 8+2 गियरबॉक्स, मतलब आगे जाने के लिए 8 गियर, पीछे जाने के लिए 2 गियर। और टेक्नोलॉजी जो हमने दिए हैं वो है फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स, मतलब
जो गिरारे चेंज होते हैं तो एक स्पेशल कॉलर शिफ्ट कपलर यूज़ किए हैं, जिससे क्या है धीमी गति में जब ट्रैक्टर चल रहा है तो चलते हुए गियर को आप चेंज कर सकते हो। तो इससे आपको बार बार ट्रैक्टर रोक के गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ मेंटेनेंस की बात करें तो बार बार जब आप गियर चेंज करोगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएंगे, घर्षण नहीं होगा, तो इससे क्या है गियर बॉक्स की लाइफ लंबी उम्र तक चलती रहेगी। दोस्तों एक खास चीज़, ये ट्रैक्टर के साथ जो हम ट्रांसमिशन गियर बॉक्स दे रहे हैं पूरा का पूरा 4 साल की वारंटी दे रहे हैं, इंडस्ट्री में कोई और नहीं दे रहा, वो भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद होगा। अगर क्लच की बात करें, इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दिए हैं ड्यूअल क्लच, माने मैंने आधा क्लच दबाया तो चलते हुए ट्रैक्टर रुक जाएगा मगर पीटीओ उपकरण चलते रहेगा। जब मैंने इसी को और पूरा दबाया तो पीटीओ भी रुक जाएगा। अगर सोचिए पीछे आपने कोई रीपर या रोटावेटर लगाया तो वो भी रुक जाएगा, मतलब एक ही पेडल के अंदर आपको दो क्लच की ऑपरेशन होगी। पहले स्टेप में ट्रैक्टर रुकेगा, दूसरे स्टेप में आपकी पीटीओ रुकेगा। इसका फायदा कि आप टाइम बचाओगे, कम मेहनत करोगे और ज़्यादा पैसे कमाओगे, वो है ड्यूअल क्लच का फायदा। अगर आप इसको कॉलेज में चला रहे हो, सिंगल क्लच बनना है तो इसके अंदर स्पेशल हमने एक स्टॉपर दिए हैं नीचे, वो स्टॉपर लगा लो, यहाँ दिख रही है देखिए ये बोल्ट है, ये बोल्ट को लंबा कर दो, खोल दो चूड़ी से, तो इससे क्या होगा आपका सिंगल क्लच काम करना चालू हो जाएगा। जैसी सुविधा चाहिए उसी सुविधा इस ट्रैक्टर के अंदर पेश करने की कोशिश हमने की हुई है। आइए दोस्तों और इस ट्रैक्टर में हमें चीज़ें बताना चाहूँगा, इसमें जो हमने रेयर लाइट भी दिए हैं ये भी मल्टी रिफ्लेक्टर के साथ, हेजार्ड लाइट हो गया या पार्किंग लाइट हो गया, कितनी सुंदर तरीके से हमने दी है देख सकते हो। इसकी जो शीट मेटल आप देख सकते हो कितना जाड़ा शीट मेटल है, और इसकी मोल्डिंग भी देख लो कितनी सुंदर है। ऐसा नहीं कि खाली शीट मेटल ऊपर से मजबूत है, अंदर से भी देख लो, इसमें तीन हमने सपोर्ट दिए, 1, 2 और 3, तो 3 बार की सपोर्ट है इस फेंडर के अंदर। अन्य ट्रैक्टरों में खाली 2 या 1 सपोर्ट होती है, तो 3 सपोर्ट से क्या है मजबूती बढ़ जाती है। प्लस मेटालिक पेंट भी हमने दी है, फेंडर रेल दिया सेफ्टी के लिए। टायर जो हम दे रहे हैं इस ट्रैक्टर के साथ हमने दिए हैं 14.9/28, तो 14.9 माने इसकी जो विड्थ है 14.9 है और 28 इसके अंदर से अंदर जो डायमीटर है बीट से बीट वो है। इसी ट्रैक्टर के अंदर 16.9 वाले टायर भी उपलब्ध है, वो अलग से आपको ऑर्डर करके लेने पड़ेंगे। आइए इस ट्रैक्टर के पीछे भी देखें क्या क्या सुविधा है। पीछे अगर इस ट्रैक्टर को देखोगे तो पूरा का पूरा हैवी ड्यूटी एक्सल हमने दी है, देख सकते हो। तो ये इतना मोटा क्यों है, इतना हैवी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने एपी साइक्लिक रिडक्शन दिए हैं जो प्लेनेटरी के नाम से भी जाने जाते हैं। उसका फायदा ये है कि कितना भी लोड या झर्क इसमें आ जाए इसकी क्राउन और पिनियन मजबूत रहेगा। जो 100% लोड इसमें जाता है व्हील से वो सारा 33% डिस्ट्रीब्यूट होता है और ट्रैक्टर की मजबूती बढ़ जाती है, बड़े से बड़े काम आसानी से करने के लिए ये सुविधा बहुत अच्छी है। केवल यही नहीं, इसके अंदर जो हमने ब्रेक भी दिए हैं वो है OIB ब्रेक जो कोरियन डिस्क के साथ आते हैं। इसका फायदा यह है हैवी लोडेड ट्रॉली के साथ भी हो गया, रिवर्स में भी हो गया, ब्रेक आपके झटपट लगेंगे। और इसकी जो बैक एंड देखोगे रोबस्ट एक्सल हमने इसके अंदर दिए हैं, ये देख सकते हो आप। ये रोबस्ट एक्सल का फायदा यह है कि ये चौकोड़ है, चौकोड़ के साथ ये जो आई बोल्ट हैं अलग लगाने की ऑप्शन भी है। इसका फायदा कि अगर आप आगे डोजर या लोडर या ग्रेबर लगा रहे हो तो वो आके इस चेसी जो है इसके बीच में लगता है, तो ये आई बोल्ट ज़्यादा होने से ये जो भी चेसी है वो आसानी से इसमें फिट हो जाता है। इसके अंदर देखोगे स्टे बार भी चौकोड़ वाला दिए हैं, और इसकी लेवलिंग रॉड देखोगे तो ये बॉक्स टाइप दिए हैं हमने, आसानी से आप एडजस्ट करके छोड़ दो, ऑटो लॉक हो जाता है। पूरा का पूरा फ्लैट बैक एंड दिए हैं हमने ताकि छोटी ट्रॉली, मध्यम ट्रॉली, बड़ी ट्रॉली आसानी से हिच कर सको। जैसे मैंने बोला था पीटीओ 6 स्पीड पीटीओ स्पीड मिलेंगे, 540 तो मिलता ही है, उसके अलावा 4 आपको अलग अलग स्पीड 300 से लेकर 1200 स्पीड तक मिलेंगे, और एक रिवर्स पीटीओ भी उपलब्ध होगा। और इसकी अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता की बात करें तो इस पॉइंट के अंदर पूरा का पूरा 1800 किलो लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर दे रहे हैं, जो इस ट्रैक्टर रेंज में सबसे हैवी ड्यूटी स्कॉर्ट्स प्रेस कर रहा है। और टिपिंग ट्रॉली के लिए अगर आप QRC लगाना चाहो तो लाल वाला यूज़ करोगे, अगर आप डोजर वगैरह इस्तेमाल करोगे, दो चाहिए
दो पाइप वाला कोई भी एप्लीकेशन है तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए एक तीसरा लीवर हम हाइड्रोलिक लीवर दिए हैं। इधर पीछे की तरफ देखिए प्लाउ लैंप दिए हैं हमने। आइए इस तरफ और भी चीज़ें दिखाएं आपको। तो हाइड्रोलिक्स की अगर मैं बताना चाहूँ, हाँ, इस ट्रैक्टर के अंदर हमने तीन लीवर दिए हैं, 1, 2 और 3। पहला जो लीवर है जो फेंडर के पास है, इसका नाम है पोजीशन लीवर। इससे उपकरण जैसे रोटोवेटर, कल्टीवेटर, हाँ, जो सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स है वो चलाने के लिए मददगार रहेगा जिसमें सेंसिंग उपलब्ध नहीं है। दूसरा लीवर जो है, ये लीवर का नाम है ड्राफ्ट लीवर। इसके अंदर ADDC सेंसिंग प्राप्त होता है। ये उपकरण जैसे MB प्लव हो गया, डिस्क प्लव हो गया, सब सॉइलर हो गया, जो ज़मीन के भीतर जाके काम करते हैं, जिसको सेंसिंग की ज़रूरत है, वो इस्तेमाल करोगे। और तीसरा जो है, ये एक्स्ट्रा लीवर है जो हम पावर ट्रैक यूरो 55 के अंदर दे रहे हैं, उसका नाम है ऑक्सिलरी लीवर। इसे आप टिपिंग ट्रॉली उठा सकते हो, गिरा सकते हो, प्लस कोई डोजर लगाया, इसी से आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ यूरो 55 सुपर मैक्स वेरिएंट। इसका मतलब पूरा का पूरा 55 HP श्रेणी के अंदर इंजन पेश कर रहे हैं, 4 सिलेंडर वाला और यूरो के सारे फीचर के साथ। मेरे बातों पे मत जाए दोस्तों, खुद आए, खुद ट्रैक्टर को चलाएं, खुद ट्रैक्टर का डेमो लें और ट्रैक्टर को पसंद करें। नमस्कार।